प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को लेकर देश के संबोधन के लिए हमीरपुर में भी लोग काफी उत्सुक दिखे हैं और 10 बजे ही टीवी के सामने पीएम मोदी के लाइव भाषण को सुनते हुए और देखते हुए लोगों को पाया गया है। लॉकडाउन के चलते घरों में लोगों ने परिवार सहित मोदी का राष्ट्र संदेश को सुना है। अब लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने का हमीरपुर की जनता ने भी जमकर स्वागत किया है। रिटायर्ड कैप्टन प्रदीप डोकरा ने कहा कि कोरोना बीमारी को दूर भगाने के लिए देश में लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है और अभी 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन जरूरत पड़े तो इसे और भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा निर्णय है और हम इसका समर्थन करते हैं। ये जो 3 मई तक लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए और जो डिस्टेंस है वो भी ठीक चल रहा है, तो ये कोरोना इसी तरह भागेगा। वहीं जिला के अन्य स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि पीएम मोदी की ये बढ़िया सोच है। लोगों का कहना है कि जमात की वजह से कोरोना केस बढ़ रहे थे और इन सबको देखते हुए अब ये फैसला सराहनीय है। लोगों ने कहा कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है। स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी के द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के फैसले का जमकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह परिवार सहित घर में रहकर ही लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे और आगे भी 3 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, अभी हम काफ़ी देर से मोदी जी का वही स्पीच अभी सुन रहे थे, तो अभी उन्होंने आगे 3 तारीख तक के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। मैं, मेरा परिवार सारा, हमारे रिश्तेदार जो भी हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, सारा घर में रहकर इसका हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन जो भी आगे तक बढ़ाया है, हम उसके साथ हैं। पर सुना लाइव भाषण जो है उनका टीवी पर सुना हमने, तो उसमें अच्छा है, अच्छी बात है इसमें, और होना चाहिए लॉकडाउन। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि उन्होंने 3 मई तक बढ़ा दिया, क्योंकि कुछ केस जमात की वजह से जो केस बढ़े हैं उससे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ अब केस बढ़ चुके हैं पॉजिटिव के, तो उस सब को देखते हुए अगर प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पहले भी कहा था कि जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो पहले हमें अपना जो भी जिंदगी है उसको देखना है, तो उससे अगर लगता है कि अगर इसको बढ़ा दिया गया है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई हमारी सेहत का उन्होंने ख्याल रखा है, तो मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और हम लोगों का भी ये फ़र्ज है कि हम अपना डिस्टेंस बना के चले, ताकि समाज में कोई इस तरह का अगर कोई पॉजिटिव वाला केस होगा तो मैं उससे दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद जा करके बताए कि जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट उसको पूरी मदद करके उसको क्वारंटाइन में रखने की कोशिश करेगी। बहुत अच्छा है सर, अच्छा है निर्णय। तो क्या लगता है इससे कोरोना कंट्रोल तो हो गई सर? अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकअप में रहेंगे तो नेचुरली ये कम होगा, ये अगर हम ऐसे खुले घूमते रहेंगे तो बढ़ेगा।